देखिए माँ और कविता जी लग गए हैं दोस्तों शादी की तैयारी में। देखिए साड़ी वगैरह देख रहे हैं कौन वाला साड़ी जमेगा, मेहमान को कौन वाला देना है, अपने कौन वाला पहनना है। देखिए क्या ही मस्त चूड़ी है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम चमक रहा है, प्योर चांदी का चूड़ी है, शादी में देने के लिए रखे हुए है ना माँ। तो शादी के लिए देखिए दोस्तों इतना सारा सामान ले लिए हैं और पूरा एकदम अच्छा अच्छा सामान लिए हैं दोस्तों, मस्त मस्त साड़ी लिए हुए हैं। देखिए इधर चूड़ी है पूरा एकदम अच्छा अच्छा, देखिए ये थान है साड़ी का। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह सुबह हम लोग झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं दोस्तों, और देखिए हम लोग चूल्हा वगैरह सब जला लिए हैं और अभी हम लोग चाय बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए पानी वगैरह चढ़ा दिए हैं, सस्पेन में डाल दिए हैं, पानी भी गर्म हो गया है। अब हम लोग चीनी चाय पत्ती डाल देते हैं, चलिए जी डालिए। देखिए अभी डालने जा रही है कविता जी चीनी, और देखिए लक्ष्मी अभी इधर देख रही है। क्या लक्ष्मी? तो चीनी चाय पत्ती सब डाल दिए दोस्तों, और देखिए रंगीला लेकर के आ गया तुलसी का पत्ता। क्या बाबू, चलो डालो। देखिए कितना मस्त एकदम पत्ता तोड़ा है, ये पूरा सीझेगा यहाँ पर। थोड़ा सा हम लोग का सर्दी खांसी भी हुआ है दोस्तों, इसी से ठीक हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है तुलसी पत्ता का यूज करते हैं दोस्तों चाय में, और हम लोग कभी कभार जो है लाल चाय बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है एकदम पीने में भी। तो गर्मा गर्म चाय बन गया है दोस्तों, ये देखिए एकदम तुलसी पत्ता और एकदम गोलकी डाले हुए हैं, बहुत ही मस्त एकदम बना हुआ है। ये देखिए लाल लाल चाय, लो मुन्नी पकड़ो, ये वाला पकड़ो, यहाँ डालेंगे। हाँ चलिए डालिए जी। देखिए क्या ही मस्त चाय बना हुआ है दोस्तों। तो चाय हम लोग का लग चुका है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग पीते हैं। तो अब माँ को देते हैं दोस्तों, देखिए इधर बैठी हुई है, उरद तोड़ रही है ना माँ? उरद तोड़ रही है। हाँ देखिए ये वाला उरद है दोस्तों, देखिए कितना मस्त दाल बनता है एकदम इसका। देखिए अभी पका नहीं है उतना, थोड़ा थोड़ा पका हुआ है, कोई कोई वाला पका है, तो उसी को अभी निकाल रही है माँ। हाँ। सब तोड़ लीजिए माँ। हाँ सब तोड़ रही है। हाँ। देखिए कितना फोर है, देखिए बढ़िया फोर है, देखिए इतना तोड़ करके रखी हुई है माँ। देखिए सब पक गया है, ये सब सूखने के लिए देंगे, उसके बाद में दाल बनाएंगे। अब हम भी चाय पीते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ढरा गया है, पीते हैं अब। काफी टेस्टी चाय बना है दोस्तों, मजा आ गया एकदम पीने में। क्या जी? लक्ष्मी को मत पिलाइए। हाँ लक्ष्मी नहीं, बच्चे सबको चाय नहीं पिलाना है। तो चाय पानी पी लिए हैं दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं राशन दुकान। कविता जी बोल रहे हैं कुछ राशन का सामान खत्म हो गया है, तेल वगैरह, तो वही लाने के लिए जा रहे हैं अभी, है ना जी? हाँ जी। तो निकलते हैं। हाँ। ठीक। हाँ घर में रहो बेटा, हम आते हैं दुकान से, मिठाई ला देंगे। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों। तो दुकान हम पहुंच गए दोस्तों, देखिए ये रहा राशन दुकान, यहीं पर हम लोग सामान वगैरह लेते हैं। चलते हैं फटाफट सामान लेते हैं, उसके बाद में निकलेंगे। दीजिए तेल, दीजिए 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 डब्बा वाला, और नमक दे दीजिए, छापा नमक दीजिए। अच्छा अच्छा कितना लगा हमें? 255। अच्छा तो सारा सामान ले लिए हैं दोस्तों, देखिए 1 kg तेल लिए हैं, 2 kg सरफ लिए हैं, 1 kg नमक लिए हैं, और इधर देखिए 1 kg प्याज भी लिए हुए हैं। तब चलते हैं दोस्तों। बस सब निकलते हैं दोस्तों घर, सारा सामान हो गया है, फटाफट चलते हैं। तो घर हम आ गए दोस्तों, आते आते काफी समय लग गया। लीजिए जी सामान, और इधर देखिए रंगीला भी आ गया। क्या बाबू, क्या पहन लिया है? करीबा तेल, निमरा, निर्मा को निमरा बोल रहा है। खाना बन गया जी? अच्छा तो खाना खाने के लिए हम बैठ गए हैं दोस्तों, और इधर देखिए कविता जी अभी खाना लगा रही है, बांटिए जी। बांट हल्का हल्का दीजिए,
तो खाना लग चुका है दोस्तों। देखिए आज बना हुआ है खाने में, ये पुती का साग है, देखिए दाल मिक्स किया हुआ है, और देखिए भात, और ये देखिए ये करेल का भुंजिया है। मस्त खाना बना हुआ है दोस्तों, अब खाते हैं। दीजिए जी। हाँ जी, आप भी खाइए। पापा को, हाँ पापा को उधर दे दीजिए बाहर तरफ। पापा बाहर में बैठे हुए हैं दोस्तों, और अभी खाना खा रहे हैं, हम भी खाते हैं इधर। तो खाना पीना हम लोग खा लिए दोस्तों, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाड़ी तरफ। कल काफी बकरी घुस गए थे बाड़ी में, तो जा करके देखते हैं किधर से घुसते हैं वो सब, है ना जी। चलिए चलिए, लक्ष्मी भी जाएगी। हाँ। लेकिन वहाँ पर पूरा गाजार है, पूरा एकदम खौन जाएगा, और मच्छर भी है उधर, बहुत ज्यादा मच्छर। हाँ पूरा कुंभा बन गया है। हाँ, और लार देखे दोस्तों, पूरा एकदम टाप दिया है, उसी से कुंभा जैसा हो गया है, क्या जी। चलिए चलिए आइए। तो अभी हम लोग बादाम बारी आ गए हैं दोस्तों, और राहर भी देखिए कितना अच्छा है, एकदम पूरा बड़ा बड़ा राहर हो गया है। और बादाम देखिए दोस्तों, कितना मस्त बादाम हुआ है, उस दिन हम लोग कोड़ दिया ना, तो पूरा एकदम अच्छा हो गया, क्या जी। हाँ, और राहर भी देखिए कितना मस्त राहर है, एकदम बड़ा बड़ा हो गया है, देखिए पूरा बारिये में है। और उधर देखिए दोस्तों, बोदी भी उधर लगा दिए हैं, तो भी फरा हुआ है, उधर ही कविता जी जा रही हैं। देखिए जी फरा है, मिल गया एक ठो ना। चलिए बढ़िया है, चलिए इधर भी है, आगे तरफ उधर देखिए, चलिए आगे तरफ चलिए। पूरा मस्त मस्त है एकदम। सब्जी बनाइएगा? खाएंगे कच्चे। कच्चे खाइएगा? ये पतला हो गया जी, उखाड़ दिया है। इधर पतला हो गया, बदमू ठीक है तो दिख रहा है जी। देखिए बदम बैठ गया जी, बैठ गया। हाँ देखिए, हाँ ये देखिए दोस्तों, ऊपर में ही बादाम दिख रहा है, यानी चिनिया बादाम। आप लोग तो चिनिया बादाम के नाम से जानते हैं, क्या जी। हम लोग तो गाँव देहात में इसको बादाम भी बोलते हैं, चिनिया बादाम को, क्योंकि आदत हो गया है हम लोग को। हाँ, देहात में ऐसा ही बोलते हैं बादाम में। हाँ। हम चिनिया बादाम को नहीं बोलते, कहीं भी जाएंगे तो चिनिया बादाम को मांगेंगे। देहात में तो घर तरफ बादाम है। देखिए इधर मकई भी लगाए हुए थे, देखिए वो वाले बारी में, लेकिन सब खा गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा मकई था यहाँ पर, देखिए सब खा गए हैं, और पूरा एकदम रादा दिए हैं एकदम, ये सब खा करके, क्या जी, नहीं तो फर जाता पूरा। लेकिन नहीं होगा जी उतना अच्छा, है कि खा गए हैं ना। और राहर देखिए दोस्तों, यहाँ भी कितना अच्छा है, एकदम मस्त, एकदम बड़ा बड़ा है। चलिए साबर वगैरह लाते हैं, है ना। उसके बाद में घोरना घोरेंगे। बीन नहीं है जी, ये दूसरा चीज है, ये गम्हार सूटी है। हाँ, खाने वाला सब्जी बढ़िया लगता है, ये भी भुंजिया बनता है, सब्जी बनता है, सब बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए पूरा एकदम घुंघुर होके फरा है ये भी। ये वाला बकरी वगैरह नहीं खाते हैं ना जी? नहीं। चलिए चलते हैं अब, पहले तो लाना होगा ना टांगी उंगी। हाँ। साबर टांगी ये सब लेकर के आएंगे तब ना घोरेंगे। देखिए यही सबसे उठते हैं दोस्तों, देखिए छेदा है, देखिए पूरा एकदम तालाब उधर रहा, देखिए आगे तरफ उधर से ही उठ जाते हैं। अभी भरा नहीं है ना, बारिश नहीं हुआ तो भरा नहीं, तो बकरी सबका इधर पूरा एकदम जूत हो जाता है एकदम उठने के लिए, इसी रास्ते से आ जाते हैं और फसल को पूरा एकदम खा जाते हैं। देखिए पूरा मकई को कैसे कर दिए हैं एकदम, ये बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन पूरा देखिए एकदम छोटा छोटा है, यही सब खा गए हैं। तो फटाफट इस सब को घोर देते हैं, इधर जो छेदा है देखिए, इधर भी है बांस तरफ, देखिए ये वाला मड़ुआ है ना, देखिए सब चीज लगाए हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा, लेकिन होने ही नहीं देता है। हाँ देखिए इधर भी है मड़ुआ का गाछी, सब खेती लगाए हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा लगाए हैं लेकिन लोग होने ही नहीं देते हैं। इधर बैल बकरी लेकर के आते हैं इधर जंगल तरफ, और छोड़ देते हैं और घर चले जाते हैं।
घर ही सारा बकरी जो है हेल जाते हैं अंदर में और सब नुकसान कर देते हैं। क्या मिल गया जी? उरद गाजर है। तो बारी वगैरह हम लोग देख करके आ गए दोस्तों, अब हम लोग पानी वगैरह पी लेंगे और चलेंगे घोरना घोरने के लिए। क्या जी कहाँ गए माए? क्या करे? ये देख रहे हैं की तैयारी। साड़ी देखे देख रहे हैं, थोड़ा सा कैसा कैसा साड़ी मिला। अच्छा पूरा एकदम शादी विवाह का तैयारी चल रहा है दोस्तों। पूरा एकदम देखिए परिवार पूरा खुश है एकदम शादी विवाह को लेकर के एकदम। क्या माँ? देखिए साड़ी वगैरह निकाल निकाल के देख रहे हैं कौन वाला साड़ी जमेगा, मेहमान को कौन वाला देना है, अपने कौन वाला पहनना है। क्या पापा पूरा तैयारी चल रहा है? हम लोग कैसा मैसा पहनते हैं आपके मेहमान लोग के? अच्छा अच्छा देते हैं। अच्छा अच्छा देंगे ना तो बढ़िया, वो सब आशीर्वाद बोलते हैं, नहीं तो कहते कैसा साड़ी देते कैसा। हाँ ये सब भी बढ़िया है। और इधर देखिए फिर निकाल रही है, यहाँ पर और है मेहमान के लिए तो नहीं रहे। अच्छा पहले से लेके रखे हैं। देखिए काफी खूबसूरत खूबसूरत साड़ी है दोस्तों, मस्त मस्त एकदम। देखिए पापा भी देख रहे हैं उधर, देखिए ये वाला और अच्छा है। सब बढ़िया बढ़िया साड़ी लेकर के रखे हुए हैं, यानी पहले से पूरा एकदम तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए अच्छा बात है, शादी एक दिन में तैयारी थोड़े होता है। हाँ बात तो सही है। क्या है माँ? सब तैयारी है। अच्छा पूरा एकदम चूड़ी वगैरह लेकर के रखे हैं? नया नया चूड़ी। और ये चांदी का चूड़ी है क्या? हाँ, चांदी का चूड़ी जैसा दिख रहा है। ये रूपा वाला चूड़ी है, बंगाल में बोलते हैं रूपा, रूपा चूड़ी। हाँ रूपा बोलते हैं। नीचे तो थोड़ा हम भी देखते हैं कैसा लगता है एकदम देखने में। रूपा रूपा हीरा ऐसा दिखाता है। देखिए देखिए क्या ही मस्त चूड़ी है दोस्तों। देखिए पूरा एकदम चमक रहा है, प्योर चांदी का चूड़ी है, शादी में देने के लिए रखे हुए है न माँ? गिफ्ट वगैरह देंगे। हाँ पूरा एकदम देखिये चमक रहा है, ये देखिए एकदम टल 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 कर रहा है। बहुत अच्छा चूड़ी है, बहुत अच्छा हीरा ऐसा देख। हाँ एकदम हीरा जैसा चमक रहा है, चमक देख रहा है। देखिए यहाँ कांच का भी चूड़ी है दोस्तों, ये शीशा वाला है, शीशा वाला, शीशा वाला चूड़ी। देखिए सब लेकर के रखे हैं, पूरा शादी का तैयारी चल रहा है एकदम। देखिए इतना सारा सामान निकाल लिया दोस्तों, और देखिए यहाँ पर और भी है, ये देखिए झोला में है, यहाँ भी कपड़ा है। पौरे से सब रहते हैं ये सब, एक साल आगे से रख ली। अच्छा पूरा एकदम पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, एक साल पहले से। देखिए यहाँ पर और भी है सामान, ये देखिए साड़ी है, पूरा थाक के थाक साड़ी है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम झोला भरा हुआ है, ये देखिए एक थान तो यहाँ है साड़ी। देखिए ये सब साड़ी और भी बढ़िया है दोस्तों, पूरा एकदम लाल लाल साड़ी है। और ये देखिए ये ब्लू है, ये भी मस्त है, बहुत। और इधर देखिए बच्चा लोग एकदम पूरा निकालने में लगे हुए हैं, लुटा लुटी हो रहे हैं। तो शादी के लिए देखिए दोस्तों इतना सारा सामान ले लिए हैं, पहले से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखिए काफी सामान लिए हुए हैं, और पूरा एकदम अच्छा अच्छा सामान लिए हैं दोस्तों। ये देखिए मस्त मस्त साड़ी लिए हुए हैं, देखिए इधर चूड़ी है पूरा एकदम अच्छा अच्छा। देखिए ये थान है साड़ी का, देखिए उधर और भी है। देखिए सब सामान ले लिए हैं, पूरा तैयारी चल रहा है दोस्तों पूरा जोर शोर से। और इधर देखिए कविता जी देख रही हैं अभी ना जी, रंगीला भी बैठा हुआ है एकदम देखने के लिए। क्या बाबू? हाँ देखो देखो, तो सब चीज तो आप लोग को तो दिखा ही दे दोस्तों, पूरा एकदम तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, सब सामान ले लिए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।